हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशिश शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज के बारे में, जिसका नाम है द डार्क क्रिस्टल एज ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। इस वेब सीरीज में तकरीबन 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड के लिए लगभग 1 घंटे से लेकर 48 मिनट की है और ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगी। लेकिन उसके अलावा आपको मालूम है कि मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे भी आपको ये वेब सीरीज मिलेगी, तो ये वेब सीरीज वहां जाके जरूर देखना, क्योंकि ये हिंदी में भी है और उसके अलावा ये एक एडवेंचर वेब सीरीज है। इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। हाँ, स्लो में, स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो है, लेकिन जैसे जैसे ये वेब सीरीज आगे बढ़ती है आप उसके इमोशंस को फील कर पाते हो। इनके जो लोग हैं वहां के, उन लोगों के दुख को, उनकी खुशियों को, और जो जिस तरीके से वो तैयारी करते हैं आगे की, अब मैं इसको आगे आपको बताऊंगा किसकी तैयारी करते हैं, वो सब कुछ देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज से जुड़ जाओगे। तो कहानी बेसिकली इस वेब सीरीज की है कि ट्रा नाम का एक प्लैनेट है जहां पर एक क्रिस्टल है। उस क्रिस्टल से, वो क्रिस्टल कहीं ना कहीं इन लोगों से जुड़ा हुआ है। वहां के जो पेड़ एनिमल्स है, वहां के जो लोग है, वो क्रिस्टल से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और वो क्रिस्टल की वजह से ही सब लोग खुश है, एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। और उस क्रिस्टल की रखवाली करती है वहां की माँ ओकरा। माँ ओकरा का जो गेटअप है मुझे बहुत ही डरावना लगा, क्योंकि उसकी एक आंखें ऐसे सींग है, अजीब सी शैतान जैसी लगती है। वो उस क्रिस्टल की रखवाली करती है। सब कुछ ठीक ठाक ही है। और वहां पे एक और समुदाय रहता है, यानी कि पॉडलिंग्स करके। तो किफलिंग्स और पॉडलिंग्स ये सब कुछ एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। माँ ओकरा के सबसे दिल के करीब होते हैं किफलिंग्स। केफलिंग्स एक अलग तरीके के पपेट्स जैसे दिखते हैं, मतलब शक्ल उनकी बकरे की जैसे है, और वो अलग अलग 7 कबीलों में रहते हैं। टोटल जो बड़ा कबीला होता है जो पहाड़ों पे रहता है, वो तकरीबन जो बाकी के 6 कबीलों के ऊपर राज करता है। और उसके बाद ये सब कुछ नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं। लेकिन अचानक से बाहरी लोग आते हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है ना भाई, फिलिस्तीन में जैसे इजरायली लोग घुस गए, उसके बाद धीरे धीरे वो कब्जा कर लिए, बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पे के जो बाहरी लोग आते हैं वो सबसे पहले आके माँ ओकरा को टारगेट बनाते हैं। माँ ओकरा को डराते हैं कि भाई तुम्हारा बाहर से ब्रह्मांड से ये होने वाला है, ब्रह्मांड से वो होने वाला है, तुम्हारे प्लैनेट टैस मैस हो जाएंगे, मतलब बला बला जो भी है। तो लोग जो भारी लोग होते हैं उसको कैक्सिस बोलते हैं। तो कैक्सिस लोग काफी ना इनोवेटिव होते हैं, काफी आगे के लोग होते हैं। उन लोगों के पास एक ऐसा साइंटिस्ट होता है जो इस तरीके की मशीन बनाता है जिससे सारे ब्रह्मांड पर नजर रख सके। तो वो लोग क्या कहते हैं, माँ ओकरा को दे देते कि भाई ये मशीन है, ये मशीन से आप पूरे ब्रह्मांड पर नजर रखो ताकि आपका प्लैनेट सेफ रहेगा। तो माँ ओकरा उनकी बातों में मैनिपुलेट हो जाती है और वो मशीन में अपना पूरा फोकस करती है। और वो जो क्रिस्टल होता है जिसकी वो रखवाली करती है, जिस वजह से वो प्लैनेट सेफ है, वो क्रिस्टल वो कैक्सिस जो भारी लोग है उन लोगों को दे देती है। अब ये लोग क्या करते हैं, रखवाली तो नहीं करते लेकिन धीरे धीरे वो पूरे प्लैनेट पे अपना कब्जा करने लगते हैं। और काफी साल बाद अब सिचुएशन ये हो गई कि जो वहां पे राज करते थे कैफलिंग्स, अब वो कैक्सिस के अंदर हाथ के नीचे काम कर रहे हैं और कैक्सिस वहां पे हुकूमत कर रहे हैं। और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, कि जो 7 कबीले में से जो 3 कबीले हैं उनके जो मेन एक्टर हीरो हीरोइन है, जैसे कि रियान, प्रिंसेस निया और डीथ, इन लोगों को पता चलता है कि यार ये लोग तो विलन लोग है या हमारे स्ट्रा प्लैनेट को खतरा है। तो किस तरीके से वो लोग इससे अपना प्लैनेट को बचाते, बेसिकली यही कहानी है। और ये कहानी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उन लोगों ने बयां की है, बता दिखाई हमें मेकर्स ने, चाहे उसके विजुअल्स हो, जो जिस तरीके से उन्होंने पूरा डिजाइन किया है, चाहे वो एनिमल्स, वहां के पेड़ हो, वहां की जो सिचुएशन हो, वहां के जितने भी पॉडलिंग्स जो एक समूह उसको, या केफलिंग्स को, या कैक्सेस को, तो यार सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही यूनिक लगता है। और कहीं ना कहीं कुछ एपिसोड होने के बाद आप इस वेब सीरीज से जुड़ जाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा कि आप जो कैफलिंग्स की जो इमोशनल सीन से, जैसे कि रियान के सामने उसकी जो फ्रेंड होती है मीरा, जब उसकी डेथ होती रहती है, आप उसको फील कर पाओगे, आप महसूस कर पाओगे उसका पेन, आप इंजॉय करोगे जो उसमें खुशी हंसी के मोमेंट, आपको वो इंजॉय करोगे। और यार बेसिकली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे पर्सनली एडवेंचर फिल्में हो या अगर ये वेब सीरीज की बात करें तो यार बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये वेब सीरीज हिंदी में भी है, सबसे अच्छी बात है। तो ये नेटफ्लिक्स पे अगर आप लोगों को देखना है तो आपको मेरे टेलीग्राम में जाके ज्वाइन करो, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा इस वेब सीरीज की अच्छी और बातें बोलो तो इसका डायरेक्शन काफी अच्छा लगा मुझे, और हिंदी में डबिंग बहुत अच्छी लगी। हाँ, लेकिन ये वेब सीरीज स्लो है, लेकिन फिर भी मस्ट वॉच जरूर है, क्योंकि नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की बड़ी ग्रैंड वेब सीरीज आई है जिसका VFX बहुत अच्छा है, जिसमें एक एनिमेशन तो है लेकिन जो पपेट्स या आप कह सकते हो कठपुतली, उसके थ्रू जिस तरीके से हमें एनिमेशन बताने की कोशिश, फर्स्ट टाइम था मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं इंजॉय किया इस वेब सीरीज को। हालांकि 10 एपिसोड है, तकरीबन 1 घंटे 48 मिनट्स के हर एक टाइम तो लगेगा, जैसा कि मुझे भी टाइम लगा, मैं दो
तीन चार एपिसोड ऐसा कर करके दो दिन में मैंने देखा, कभी दोपहर को देखा, कभी रात को देखा, तो लेकिन इंजॉय जरूर किया मैंने, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना और दोस्तों का इस वीडियो को जरूर शेयर करो। थोड़ा बताने में अगर कंफ्यूज हो गए होगा तो यार मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फिर भी बताऊंगा। फिर भी ये गुड वर्सेस बैड ही स्टोरी है जो भी हमेशा होती है, लेकिन जो बताने का तरीका था बहुत अच्छा था। तो यार इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मैं भी आपसे कल किसी नए वीडियो के लिए